एक बार फिर एक नए धमाकेदार लेक्चर में इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके पहले भी हमने एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है जो ट्रिग्नोमेट्रिक के हमने लिए थे उसी उसी सीरीज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन इसमें भी कराएंगे तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से तो ये सभी जो क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे वो सभी एस एस सी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो हम उन्हीं को यहाँ पे आ, डिटेल एक्सप्लेनेशन बताएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इफ थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड थ्री सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज टू फाइव देन द वैल्यू ऑफ कास्ट टू टू थीटा तो इस क्वेश्चन में क्या है हमें गिवेन है कि यहां से हम लिख लेते हैं क्या गिवेन होता है जो डाटा पहले गिवेन होगा वही सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे यहां पे गिवन है थ्री सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजल टू फाइव ये गिवन है अब हमें इससे निकालना है कास्ट टू थीटा की वैल्यू तो कैसे हम निकालेंगे कोई बता सकता है कैसे हम कास्ट टू थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो अब हम थीटा की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम टू थीटा फाइंड आउट कर लेंगे या फिर हमें कोई कास्ट टू थीटा का फार्मूला बन जाए या कोई अदर टिक्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकल आए तो उससे काम बन सकता है तो चलिए अब हम इसको कैसे कर सकते तो यहां पे देखिए सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस थ्री टेन स्क्वायर थीटा

वैल्यू चाहिए या किसी टिक्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए या फिर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हम कार्स टू कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले हम यहां पे थ्री सेवा टेन स्क्वायर थीट यहां पर से स्क्वायर थीटा माइनस टेन टेन स्क्वायर टू वन और यहां थ्री थीटा प्लस थ्री टेन स्क्वायर थीटल टू फाइव तो हम लोग क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री से हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है ये है। और ये इक्वेशन नंबर टू है तो अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में यहां पे देखेंगे थ्री से स्क्वायर थीटा थ्री के से स्क्वायर थीटा अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो अगर हम ऐड कर देंगे तो यहां मिलेगा देखिए थ्री सेक स्क्वायर थीटर सॉरी थ्री टेन स्क्वायर थीटा थ्री टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और थ्री सेक स्क्वायर थीटा थ्री सेक स्क्वायर थीटा एड हो जाएगा और फाइव प्लस थ्री एड हो जाएगा तो चलिए हम इसको हम डिटेल में लिख लेते हैं थ्री स्क्वायर थीटा प्लस थ्री टाइम थीटा प्लस एल एच एस एल एच एस में एड होगा और आर एच एस आर एच एस में एड होगा और यहां पे एड हो जाएगा थ्री सेक्वायर थीटा माइनस थ्री टाइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा फाइव प्लस थ्री यहां से देखिए थ्री सेक स्क्वायर थीटा प्लस थ्री सेक स्क्टा सिक्स सेक्वायर थीटा हो जाएगा ब्रेकेट यहां पे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री सेक्वायर थीटा प्लस थ्री सेक स्क्वायर थीटा माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू फाइव प्लस थ्री करेंगे एट आ जाएगा अब देखिये थ्री टेन स्क्वायर थीटा थ्री टेन स्क्टर कैंसिल तो बचेगा क्या थ्री तो तो right कर लेते हैं तो हो एट बाई सिक्स टू से कैंसिल आउट करेंगे तो टू फोर जा यहां पर हो जाएगा टू फोर जा एट और टू थ्री जा सिक्स अब सेक थीटा की वैल्यू अगर हम निकाले सेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट फोर बाई थ्री जो हो जाएगा टू बाई रूट थ्री तो अगर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता हो तो यहां से आपको पता होना चाहिए जो सेक थीटा यहां पे आएगा ये सेक थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है क्योंकि कास्ट थर्टी डिग्री होता है रूट थ्री टू तो sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2/√3 थी, तो θ की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री अब यहां से हमें फाइंड आउट करना है cos 2θ तो cos 2θ इक्वल टू हो जाएगा cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तो काश टू थीटा वन बाई टू हो जाएगा, ओके। फोर्टी फाइव डिग्री सिक्स सिक्सटी डिग्री अपॉन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्या करेंगे ट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है होती है जैसे थर्टी डिग्री जीरो डिग्री या हम कहें फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री ये सभी याद होनी चाहिए तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन है, जो इक्वेशन uh, यहाँ पे हम लिख लेते हैं का एक्स का स्क्वायर थर्टी डिग्री साइन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री इधर हो जाएगा सेक सिक्सटी डिग्री अपॉन का सेक डिग्री हो जाएगा तो अब एक्स एक्स की एक्स तो साइम से, सेम ही रहेगा स्क्वायर थर्टी डिग्री अभी हमने बताया काश जो थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है वो रूट थ्री बाय टू होती है रूट थ्री बाई टू तो, लगा है, तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा साइन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू होती है इधर रूट थ्री बाय टू टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव फोर्टी टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन स्क्वायर कर देंगे इसको सेक्स 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी अब जो यहां पे कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जो कास 60 डिग्री होता है वन बाई टू तो सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा टू तो यहां पे हो जाएगा टू पान का 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी कासेक सिक्सटी डिग्री देखिए साइन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आ, आ, रूट थ्री बाई टू तो का सिक्स सिक्सटी डिग्री कितना हो जाएगा टू बाई रूट थ्री तो यहां पे हो जाएगा टू बाई रूट थ्री अब देखिए एक्स इंटू इधर हो जाएगा आ, थ्री बाई फोर इंटू रूट थ्री बाई टू यहां आएगा इस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा वन इंटू टू अपन टू और ये जो रूट थ्री यहां पर है ये ऊपर चला जाएगा तो रूट थ्री आ जाएगा तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा एक्स थ्री रूट थ्री बाई एट इज टू रूट थ्री तो यहां से आएगा आ, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स इजक्वल टू एट बाई थ्री एट बाई थ्री थ्री टू जा सिक्स टू बाई थ्री टू

रूट ट्वेल्व देन दस यहाँ पे यहाँ पे गलती हो गई यहाँ पे होना चाहिए टू थीटा तो देखिए यहां पे गिवन है साइन थीटा प्लस थर्टी डिग्री इज्कल टू थ्री बाय रूट ट्वेल्व अब देखिए जो थ्री बाय रूट ट्वेल्व लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री और ये हो जाएगा थ्री बाय टू रूट थ्री ये साइन थीटा प्लस थर्टी डिग्री हो गया अब देखिए जो थ्री को हम क्या लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री अपान ये नीचे से हम भी जाएगा टू रूट थ्री रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर आएगा रूट थ्री बाई टू और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस थर्टी डिग्री के इक्वल इधर हम कर लेते हैं इसको तो इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस थर्टी डिग्री इक्वल टू रूट थ्री बाई टू कोई बता सकता है कि रूट थ्री बाय टू साइन के किस वैल्यू एंगल की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू तो यहां होती है ये साइन सिक्सटी डिग्री तो साइन थीटा प्लस थर्टी डिग्री हो जाएगा सिक्सटी डिग्री तो थीटा प्लस थर्टी डिग्री इक्वल टू सिक्सटी डिग्री तो थीटा कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री अब थीटा अगर 30 डिग्री आ गया है तो हमें फाइंड आउट करना है cos टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री होता है 1/2 तो 1/2 हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sec थीटा cos थीटा 3/2 ंगल सेटा की वैल्यू हम तो हमें हमें वैल्यू निकालनी है सेक् थीटा की तो हम चलिए साल कर लेते हैं सेक् थीटा का वैल्यू हमने अगर अपने पहला लेक्चर देखा होगा उसमें हमने सारे फार्मूले बताया है तो वहां से वो काश थीटा होता है वन बाई वन बाई या या फिर हम इसको आ, करेंगे तो सिंपल हम कर लेंगे सेक थीटा को हम चेंज कर लेंगे वन बाई कास कास थीटा minus, थीटा माइनस काक्वल टू थ्री बाई टू ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे वन माइनस कास स्क्वायर थीटा कास थीटा जो हो जाएगा इक्वल टू थ्री बाई टू कास मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू वन माइनस स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री कास थीटा यहां से आएगा टू माइनस टू का स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री कास थीटा हो जाएगा अब देखिए अगर इसको हम राइट हैंड साइड में ले आए तो क्या होगा टू मतलब ये पॉजिटिव हो जाएंगे टू का स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कास थीटा और यहां पे जो टू है ये माइनस में हो जाएगा तो इज्क्ल टू जीरो हो जाएगा अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे टू कास स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कास थीटा माइनस टू तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है तो यहां पे अगर हम इसको x मान लें तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू का सीटा अगर x हो जाता है तो चलिए हम यहां पे इसको फैक्ट मल्टीप्लाई करें तो फोर तो इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे आ, टू cos इसका हम फैक्टर निकाल लेंगे तो टू का स्क्वायर थीटा प्लस फोर का माइनस कास थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो यहां से टू का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म से कॉमन हो जाएगा टू टू का बचेगा क्या कास थीटा प्लस टू माइनस अगर वन कॉमन ले लें तो कास थीटा प्लस टू बच जाएगा और यहां से काटा प्लस टू अगेन कॉमन हो जाएगा यहां से काटा प्लस टू अगेन कॉमन हो जाएगा तो यहां पे आएगा टू का माइनस वन इज टू जीरो अब अगर हम पहला ये वाला टर्म लेके हम इक्वल करते हैं थीटा काल टू जीरो तो यहां से कास थीटा इक्वल टू आएगा माइनस टू तो जो कास्ट थीटा की रेंज होती है वो माइनस वन टू वन होती है तो ये ये जो काटावल टू माइनस टू ये नहीं हो सकता पॉसिबल तो हम लेंगे टू का थीटा माइनस वन इज टू जीरो तो तू थीटा टू तो का हमें निकालना है सेक थीटा तो सेक थीटा होता है इसी का रिवर्स तो इसको रिवर्स कर देंगे तो थीटा आ जाएगा टू तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और सभी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो इनको आपको कर लेना चाहिए और इनको समझ लेना चाहिए तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि तो काफी काफी क्वेश्चन जो आते हैं फिर से रिपीट भी हो सकते हैं सिर्फ उसमें डेटा चेंज हो सकता है क्वेश्चन का करने का जो तरीका है वो सेम ही रहेगा इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है तो अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई की देखिए हम आपको एक रूल बता देते हैं जो uh, इसमें लगता है जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे टेन इज्कवल टू टेन इज्कवल टू कार्टी हो टेन ए इजक्ल टू टेन ए टेन बी इजक्ल टू वन हो तब ए प्लस बी इजल टू नाइनटी डिग्री होता है क्यों यहां से हम अब यही रूल इसमें हम अ, अप्लाई करेंगे देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टेन फाइव एक्स माइनस टेन डिग्री इजल टू काट फाइव वाई प्लस ट्वेंटी डिग्री तो यहां से हम देख सकते हैं टेन एज टू कार्ट बी तो टाइन अगर ए ए हो जाएगा इतना और ये बी हो जाएगा तो टाइन तो ए प्लस बी इक्वल टू नाइनटी डिग्री हो जाएगा या फिर इसको हम लिख सकते हैं टाइन फाइव एक्स माइनस टेन इक्वल टू टेन नाइनटी माइनस फाइव वाई प्लस ट्वेंटी डिग्री बात वही पड़ेगी चाहे हम ऐसे ही कर सकते हैं अगर आपको पहले से पता है तो आप ये इस्तेमाल करिए आ, 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 आसानी से आंसर आ जाएगा लेकिन नहीं पता तो आप इसको चेंज कर लीजिए तो यहां से आएगा फाइव एक्स माइनस टेन टू नाइन माइनस ट्वेंटी यहां से हम इसको फाइव एक्स माइनस टेन और ये फाइव वाई एक बार हम ब्रेकेट ओपन कर लेते हैं पहले ब्रेकेट ओपन करेंगे तो फाइव वाई माइनस ट्वेंटी हो जाएगा तो अब यहां से आएगा फाइव एक्स प्लस फाइव वाई नाइनटीन माइनस करेंगे ट्वेंटी तो सेवेंटी हो जाएगा और इधर प्लस टेन इधर एड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एट्टी हो जाएगा अब देखिए फाइव इधर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई फाइव एक्स प्लस वाई इजक्ल टू हो जाएगा एट्टी तो अगर यहां पे फाइव एक्स प्लस वाई इजक्वल टू एट्टी है तो हमें चाहिए एक्स प्लस वाई फाइव से डिवाइड करेंगे तो एट्टी बाई फाइव तो इधर आ जाएगा सिक्सटीन तो एक्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स सॉरी एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्सटीन तो सिक्सटीन डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इस क्वेश्चन का आंसर है सिक्सटीन डिग्री एक्स प्लस वाई की वैल्यू सिक्सटीन डिग्री हो जाएगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रिलेशन बिटवीन ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है क्या रिलेशन होगा इसमें से ऑप्शन ए होगा बी होगा सी होगा डी क्या इसमें से रिलेशन हो सकता है तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे जो गिवन है इक्वेशन ए थीटा प्लस इक्वल टू वन ओके अब देखिए इसको हम सिंपलीफाई क्या करेंगे ए, साइन, थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है साइन थीटा बाई दूसरे इक्वेशन पे अभी बाद में आता है क्योंकि इसको हम सिंपलीफाई करेंगे अः थीटा क्योंकि इसमें ऑलरेडी गिवन है साइन थीटा प्लस कास थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वन एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है और ये वैल्यू हो जाएगी वन तो हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा का इजक्ल टू हो जाएगा साइन थीटा का ओके okay. अब देखिये यहां पे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस टू बी साइन थीटा प्लस टू बी अगर हम स्क्वायर कर दें साइन थीटा प्लस का थीटा स्क्वायर करेंगे इधर तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा

टू एज टू बी माइनस वन लिख सकते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री तो यहां पे हमें वैल्यू निकालनी है अभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है लेकिन वैसे है नहीं अब क्या करेंगे यहाँ पे टेन इलेवन टेन इलेवन इधर हो जाएगा टेन इलेवन डिग्री टेन सेवेंटीन डिग्री टेन सेवेंटी नाइन डिग्री टेन सेवेंटी थ्री डिग्री देखिए अब जो यहाँ पे देखिए अभी जो हमने बताया टेन ए टेन बी इजक्वल टू अगर वन है या फिर ए प्लस बी नाइनटी डिग्री है तो टेन ए टेन बी इजक्ल टू वन होता है तो यहाँ पे टेन इलेवन को हम सेम ही लिखे रहेंगे टेन ये जो सेवेंटी नाइन डिग्री है इसको हम लिखेंगे टेन नाइन्टी माइनस इलेवन डिग्री और इसको हम टेन 17 डिग्री लिखेंगे और ये हो जाएगा टेन 73 थ्री डिग्री को हम लिखेंगे नाइनटी माइनस सेवनटीन डिग्री अब देखिए टेन इलेवन डिग्री और इधर हो जाएगा कॉट tan 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा और इधर टैन सेवन टैन सेवनटीन डिग्री लिखेंगे और tan नाइनटी माइनस थीटा कॉट सेवनटीन डिग्री इसको हम लिख सकते हैं टेन इलेवन डिग्री और टेन थीटाजक्वल टू वन बाई कार होता है तो टेन वन बाईन इंटू टेन सेवनटीन डिग्री डिग्री कैंसिल कर देंगे टेन सेवनटीन से टेन सेवनटीन टेन इलेवन से टेन इलेवन तो वन इंटू वन इजल टू वन वन तो आंसर हो जाएगा वन ओके करेक्ट आंसर इज वन

given data sine a plus sine square a is equal to 1 and we have to find the value of cos square a plus cos for 4a is equal to what now sine a if we find the sine a then uh, sine a is equal to 1 minus sine square a now 1 minus sine square a equal to cos square a the sine a is equal to cos square a, a, is equal to, uh, cos square a. now

sec square theta minus tan square theta is equal to one. Uh, sec theta minus tan theta and sec theta plus tan theta tan theta is equal to one. Now here sec theta minus tan theta is given, so then uh, sec theta plus tan theta is equal to one. Uh, one uh, this is sec theta plus tan theta is equal to one by root three. Okay. Now write sec theta plus टेन थीटा इजल टू सॉरी दिस इज वन दिस इज वन अपन अपॉन रूट थ्री सो दिस इज रूट थ्री दिस इज रूट थ्री ओकेशन वन एंड इक्वेशन टू तो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को हम एड करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो ये टेन थीटा टन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो टू सेक थीटा टू वन बाई रूट थ्री प्लस रूट थ्री एलसीएम ले लेंगे तो यह हो जाएगा वन प्लस थ्री थ्री बाय रूट जो कि हो जाएगा फोर बाय रूट थ्री टू सेक थीटा इजक्टल टू टू से हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा इजल टू टू बाई रूट थ्री ओके नेक्स्ट वी फाइंड दूफ टैन स्क्वायर थीटा टा देन वट वि डू हियर इफ इट सफ्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्राम सेकेंड देन सेक्टा सेटा इजक्ल टू रूट थ्री माइनस वन बाई थ्री सो एलसी इसमें हम ले लेंगे तो थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री टू टैंथीटा इज्कल टू हो जाएगा टू बाय रूट थ्री ओके टू थीटा यहां पे लिखेंगे टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो टाइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन बाय रूट थ्री अब देखिये सेक् थीटा और थीटा यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है हमें फाइंड आउट करना है सेक् थीटा टेन तो सेक थीटा तो सेक्तिटा टैन थीटा इजक्वल टू टू बाई रूट थ्री इन

पहले देखिए यहाँ पे गिवन क्या है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा एंड वाई इजक्ल टू एस दिस इज साइन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा नाउ इन ईच क्वेश्चन मतलब सभी क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर लगा, लगा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे क्लू हमें मिल गया है एक्स स्क्वायर करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर या, या वाई स्क्वायर करते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर या इसको हम यहां पे ले लें नहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा अगर हम यहाँ पे वाई स्क्वायर भी निकाल लें वाई स्क्वायर निकालते हैं यहाँ से तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी मान लो इक्वेशन नंबर ही फर्स्ट है, है. आ, तो ए साइन थी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर ये बनेगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का टू ए बी साइन थीटा कास थीटा अब देखिए टू ए बी साइन थीटा कास थीटा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी टू ए बी साइन थीटा कास थीटा है तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये टर्म ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन और इसको इक्वेशन नंबर हम सेकेंड मान लेते हैं तो वाई स्क्वायर इजक्टल टू हो जाएगा ये ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस टू ए बी साइन थीटर का थीटा तो यहां से हम अगर ऐड कर दें इक्वेशन फर्स्ट को प्लस इक्वेशन सेकेंड को दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्ल टू अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे स्क्वायर कास थीटा यहाँ पे स्क्वायर चलिए एक बार हम लिख लेते हैं स्क्वायर स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर सॉरी यहाँ पे हमें यहाँ पे बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटर ये काफी बड़ी गलती हो सकती है बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटर तो यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर थीटा इसको इग्नोर कर दीजिए कि हमने ये करेक्ट कर लिया है बी स्क्वायर कास्कर्थ थीटा होगा यहाँ पे क्योंकि बी यहाँ पे सेकेंटर टर्म है तो बी स्क्वायर थीटा हो जाएगा अब इसमें प्लस के, और ये टू ए बी का थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा टू ए बी का थीटा साइन थीटा या साइन थीटा का थीटा तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहां से तो यहां बचेगा स्क्वायर थीटा और प्लस इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में देखिए बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है कोई भी देख सकता है तो यहां पर क्या बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस

प्लस बी स्क्वायर देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू सॉरी यहां का क्योंकि तो ये ऑप्शन सेम ही है तो यहां पे गलती हो गई इसमें टाइपिंग में हो सकती है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके ओके okay? okay? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे टेन थीटा माइनस कार थीटा इजक्ल टू जीरो एंड थीटा आ, इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस फिफ्टीन डिग्री एंड टेन थीटा माइनस फोर्टी फाइव डिग्री अब देखिए क्या यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ये और गिवन क्या है टेन थीटा सबसे पहले जो भी गिवन है उसको हम लिख लेंगे इजक्ल टू जीरो यहां से टेन थीटा इजक्ल थीटा इसका मतलब क्या होगा टैन थीटा थीटा के इक्वल है तो थीटा की कोई वैल्यू होगी जिसपे ये दोनों इक्वल होते हैं तो तो यहाँ पे चलिए यहाँ चलिए हम यहाँ बता देते हैं tan थीटा इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा तो इधर हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा थीटा तो टू थीटा इक्वल टू नाइनटी थीटा इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री अब फाइंड आउट हमें करना है टैन थीटा प्लस फोर्टी फाइव डिग्री इधर हो जाएगा टेन थीटा माइनस फोर्टी फाइव डिग्री तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे टेन थीटा uh, कितना है फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन और यहाँ पर हो जाएगा टेन फोर्टी फाइव पैंतालीस माइनस फिफ्टीन तो पैंतालीस और प्लस पंद्रह करेंगे तो tan हो जाएगा सिक्सटी डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा टेन थर्टी डिग्री टैन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू कोई बता सकता है टेन सिक्सटी डिग्री अगर नहीं याद है तो साइन थीटा पान का थीटा में ब्रेक करके भी वैल्यू निकाली जा सकती है लेकिन हमें इसकी वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे पुट कर देंगे ऐसे ही पटक देंगे इसमें तो टेन सिक्सटी डिग्री हो जाएगी रूट थ्री और जो टैन थर्टी डिग्री होती है वन बाई 3 होता है ओके okay? तो ये अब पलट जाएगा तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री जो कि हो जाएगा थ्री थ्री ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री का स्क्वायर थीटर फोर वैल्यू ऑफ टेन थीटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा हियर इज सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री है हमें वैल्यू निकालनी है टेन थीटा की तो कैसे निकालेंगे अब हमें सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों को देखते हुए क्योंकि उसमें दो दो टिक्नोमेटिक फंक्शन कास थीटा को तो हम इनको एक ही टिक्नोमेटिक फंक्शन में रिड्यूस करेंगे यहां पे लिखेंगे सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू फोर अब ये बेसिक चीजें हैं आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस या फिर कहाइन स्क्वायर थीटा ये ध्यान रखिए तो हम वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया थ्री साइन स्क्वायर थीटा इजक्ल टू फोर सेवन साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ तो यहाँ पे हो जाएगा फोर साइन स्क्वायर थीटा और फोर माइनस का थ्री करेंगे फोर माइनस थ्री वन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा थी टू वन बाई फोर तो साइन थीटा हो जाएगा वन बाई टू जो कि होता है साइन थर्टी डिग्री अब हमें बताना है टेन थर्टी डिग्री क्योंकि टेन थीटा पूछ रहा है इसका मतलब हो जाएगा टेन uh, इधर से हम निकालेंगे तो थीटा इजल टू हो जाएगा थर्टी डिग्री तो टैन

Tan 60 degree plus cos 45 degree equal to sec 45 degree. तब हमें बताना है x square plus one. तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे. Tan 60 degree होता है root three plus cos 45 होता है one by root two. Sec 45 होता है root two. तो root x into root three equal to root two minus one by two. इसको हमने इधर आर एस एस में क्या अब एलसीम लेंगे तो टू माइनस वन बाई रूट टू इज टू वन बाई रूट टू ये हो जाएगा एक्स रूट थ्री इज्वल टू वन बाई रूट टू एक्स इजल टू वन बाई रूट टू इंटू वन बाई रूट थ्री इजक्ल टू वन बाई रूट सिक्स ओके अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन तो ये हो जाएगा वन बाय रूट सिक्स स्क्वायर प्लस वन वन बाई सिक्स प्लस वन मींस सेवन बाई सिक्स सेवन बाई सिक्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके okay. चलिए आगे बढ़े ओके okay. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ टेन पावर फोर थीटा काफी अमेजिंग क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए मजा आ जाएगा बिल्कुल टेन पावर फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर टू वन इसमें आपका दिमाग लगाना ही पड़ेगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे देन द वैल्यू ऑफ का पावर फोर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी देखिए गिवन क्या है टेन के पावर फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू वन अब हमें फाइंड आउट करना है के पावर फोर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इज क्वेश्चन मार्क क्या करें इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं ये बताइए कोई बता सकता है इसमें हम क्या करें तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या टेन स्क्वायर थीटा को इसमें कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा 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 और यहाँ पे सॉरी यहां पे होगा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं यहां पे होगा टेन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन

कास्क पावर फोर थीटा देखिए एक रिलेशन हमें मिल गया है कास्क पावर फोर थीटा अगर इसमें हम यहाँ पुट कर दे यहाँ यहाँ से तो यहां से बनेगा कास्क पावर फोर थीटा प्लस का थीटा इजल टू कास्क पावर फोर थीटा यहाँ से हम उठा लेंगे चलिए हमने इसको किडनेप किया उठा लिया है तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा अभी ये दोनों आपस में भाई भाई मिलकर इसको क्या बनाएंगे थीटा, प्लस का थीटा, ये हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे गिवन है थीटा थीटाजक् टू एम जो कि वन से बड़ा है छोटा नहीं रह सकता है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एंड थीटालाइज करता है जीरो टू अब थीटा की भी एक लिमिट होती है इसको एक दायरे में कर दिया गया है जीरो से नाइन्टी डिग्री में ही रहेगा ये बराबर भी नहीं हो सकता यहाँ पे तो यहाँ दे तो और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन इक्वल टू एम अभी इसके पहले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी सेक स्क् थीटाइनस

तो टू एम अपान एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर देखिए वन माइनस यहाँ पे हो जाएगा फोर एम स्क्वायर ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर ये यह यहाँ पे एलसी एम लेंगे तो एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर अपान एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर ले देंगे अब क्या होगा अगर इसको ओपन हम कर लें ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम का पावर फोर प्लस वन प्लस टू एम स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अब देखिए यहाँ से हम इधर लिख लेते हैं इधर हम लिख लेते हैं तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम के पावर फोर ये फोर है समझ लीजिएगा इसको प्लस वन माइनस का टू एम स्क्वायर अब देखिए यहाँ बजेगा एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर अपन एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अगर स्क्वायर हम हटा दे दोनों तरफ से तो ये माइनस वन एम तो इसका मतलब हुआ साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा अंडर रूट ले, ले तो यहां बनेगा एम स्क्वायर माइनस वन इधर से हम इसको

तो साइन के पावर साइन सॉरी ये हो जाएगा साइन पी प्लस कासेक पी इक्वल टू टू ये गिवन है। तो हम सबसे पहले और हमें निकालना क्या है साइन के पावर सेवन पी प्लस कासेक पावर सेवन पी की वैल्यू क्या होगी देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन पी प्लस वन बाई साइन पी इक्वल टू टू हो जाएगा साइन एलशियम लेंगे साइन स्क्वायर पी, वन, इसको टू पी। इसको हम पी ले सकते हैं साइन स्क्वायर पी माइनस का इसको हमने एल्शियम ले लिया टू साइन पी प्लस वन इजक्टल टू जीरो अब देखिए इसको फैक्टर करेंगे साइन स्क्वायर पी माइनस का साइन पी माइनस का साइन ता, पी प्लस वन इजक्ल टू जीरो साइन पी कॉमन ले लेंगे इसमें तो साइन पी माइनस वन माइनस वन कॉमन तो साइन पी माइनस वन इजक्ल टू जीरो साइन पी माइनस वन फिर से कॉमन हो जाएगा और ये फिर से साइन पी माइनस वन बच जाएगा तो एक को हम साइन पी माइनस वन इजल टू जीरो करेंगे तो यहां से आ जाएगा साइन पी इजक्वल टू वन अब जो साइन पी इजक्ल टू वन तो इसका मतलब साइन नाइन्टी डिग्री हो जाएगा यहाँ पर टा मतलब पी की वैल्यू आ जाएगी नाइनटी तो पी आ जाएगा नाइन्टी अब यहाँ पे पावर साइन के पावर सेवन प्लस सेवन साइन के पावर सेवन पी प्लस कासिक पावर सेवन पी तो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पी की हम डायरेक्ट तो साइन नाइन्टी डिग्री पावर सेवन प्लस कासिक नाइन्टी डिग्री पावर सेवन ये भी वन ये वन के पावर सेवन हो जाएगा प्लस वन पावर सेवन

कुछ नहीं करना है अगर फार्मूला याद हो तो ये आसानी से इसको कर सकते हो तो कास सेवन ए प्लस कास फाइव ए अपान साइन सेवन ए माइनस साइन फाइव ए इसको अब देखिए यहाँ पे फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे साइन सॉरी कास कास सी प्लस डी तो फार्मूला जो होता है कास सी प्लस टू का सेवन प्लस फाइव करेंगे आ, 5, 2, कास 2, तो कास 2, तो यहां पर टू ए बचेगा सेवन से फाइव ए माइनस करेंगे फाइव ए माइनस करेंगे तो टू ए बाई टू टू का सी प्लस डी बाई टू टू का देखिए यहां पे साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है टू का सी प्लस डी बाई टू मीन्स ट्वेल्व ए बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू सेवन ए माइनस फाइव है तो टू ए बाई टू देखिए ये टू कास ट्वेल्व ए बाई टू का टू 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 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया टू से टू कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचे साइन ए कहा से पांच साइन क्या होता है कहा से पांच साइन क्या होता है याद है याद रखिए उसको तो क्या होगा कॉट ऑप्शन नंबर डी टेंसर हो जाएगा ओके जो भी टिक्नोमेट्रिक फार्मूले हैं उनको हमेशा याद रखिए तभी क्वेश्चन आसान हो सकते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन सेवेंटी फाइव डिग्री प्लस साइन फिफ्टीन डिग्री तो साइन सेवेंटी फाइव डिग्री प्लस साइन फिफ्टीन डिग्री देखिए इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे फार्मूला क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कास सी माइनस डी बाई टू पचहत्तर पचहत्तर माइनस सेवेंटी फाइव बाई टू तो टू साइन पचहत्तर और फिफ्टीन को हम ऐड करेंगे तो नाइन्टी बाई टू हो जाएगा ओके और यहाँ पे हो जाएगा कास इधर हो जाएगा सिक्स बाय टू तो ये हो जाएगा टू साइन फोर्टी फाइव का ये हो जाएगा और रूट थ्री बाय टू तो टू से टू कैंसिल रूट थ्री अपॉन रूट टू मीन्स क्या हुआ रूट थ्री बाय टू मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन अपॉन साइन के पावर फोर नाइन्टी माइनस थीटा प्लस वन बाई का स्क्वायर नाइनटी माइनस थीटा माइनस वन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैसे हम करेंगे इसको फाइंड अपॉन साइन के पावर फोर नाइन्टी माइनस थीटा पहले हम इसको लिख लेते हैं का स्क्वायर इंटी माइनस थीटा माइनस वन ओके अब देखिए सो साइन माइनस थीटा होता है कास थीटा होता तो वन बाई येगा वन बाई का नाइन्टी माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन ओके यहां तक समझ में आ गया होगा वन अपॉन कास्ट पावर फोर थीटा यहां से माइनस कॉमन ले, ले तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन पावर फोर थीटा माइनस वन अपान का स्क्वायर थीटा देखिए एलसीएम लेंगे तो ये वन माइनस का स्क्वायर थीटा बनेगा अपान कास्ट पावर फोर थीटा बनेगा अब देखिए ये क्या हो जाएगा वन माइनस का स्क्वायर थीटा अपॉन कास्ट पावर फोर थीटा वन माइनस का स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अब देखिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कास्क पावर फोर थीटा को कास्क स्क्वायर थीटा इंटू वन बाई कास्क स्क्वायर थीटा अब इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कास्क थीटा का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा अब ये साइन थीटा मान कास थीटा होता है टैन थीटा तो टैन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ओके तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइन थीटा इंटू सेक स्क्टा थी अपान कार्ट स्क्टा इंटू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या वैल्यू होगी तो टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन देखिए टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा कासिक स्क्वायर थीटा यहां पे हम कास काट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू और टेन वन प्लस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन देखिए का स्क्वायर थीटा से का स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा ये जाएगा टू और इधर हो जाएगा यहाँ पे कास काशिक स्क्वायर थीटा तो टू साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा एंड कासिक स्क्वायर थीटा अपान सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन देखिए साइन स्क्वायर थीटा और काशिक स्क्वायर थीटा पता होना चाहिए जो कि वन होता है तो वन बाई सिक स्क्वायर थीटा माइनस वन ओके okay. तो यहां से जाएगा का टू का माइनस वन जो कि होता है कास टू थीटा तो कास्ट टू थीटा इज टू का स्क्वायर सॉरी टू का माइनस वन होता है तो आंसर हो जाएगा का कास्ट टू थीटा जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पूरा टर्म पूरा एक्सप्रेशन तो वैल्यू आएगी कास्ट टू थीटा ओके okay. चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन था मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में धन्यवाद